हाय दोस्तों, कल मैं अपनी बाबू को वैक्सीनेशन दे करवाया था, जो कि 3.5 मंथ्स का जो वैक्सीनेशन होता है ना, वो करवाया था। और मैंने जो है अपनी बाबू को प्राइवेट से वैक्सीनेशन दिलवा रहा हूँ। तो आप अपने बच्चे को दोनों गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी से भी दिलवा सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये है कि प्राइवेट में जो है कि आपको एक आध वैक्सीन ज़्यादा मिलेगी, और ये आपके बिलिंग के ऊपर है दोनों की एफिकेसी बढ़िया होती है। बस यही है कि जो प्राइवेट के जो वैक्सीनेशन होती है उसमें जो बैक्टीरियल स्ट्रेन होते हैं, एक दो स्ट्रेन का ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप वैक्सीन दे दोगे तो वैक्सीन के बाद जो 48 आवर्स का समय होता है वो बच्चों के लिए क्रूशियल होता है। बच्चे के लिए क्यों क्रूशियल होता है? क्योंकि जो पोस्ट वैक्सीनेशन जो इफेक्ट होता है, बच्चा इरिटेबल हो जाएगा आपका, बच्चे को फीवर आने लगेगी, और जो इंजेक्शन साइट है जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है, हो सकता है कि वो स्वेल कर जाए, वहाँ पे रेडनेस आ जाए। तो ऐसा मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, तो ऐसा जब भी हो तो अपने साथ एक पारासीटामोल ड्रॉप रखना है। और हालांकि अगर आप हेल्थ सेंटर पे लोगे या प्राइवेट में भी लोगे तो डॉक्टर इसको आपको जो है इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो बच्चे को आप 6-6 घंटे पे जो है ना पारासीटामोल ड्रॉप जो है दे सकते हो। हाँ, अगर थाई पे अगर आपको स्वेलिंग लगने लगे थोड़ा बहुत, तो 2 से 3 दिन के बाद जो है आप आइस पैक से जो है ना धीरे 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 आप मसाज दे सकते हो, तो स्वेलिंग जो है कम जाएगी। और रही बात कि आप अगर आपको सिलेक्ट करना है कि हम क्या वैक्सीनेशन दे अपने बच्चे को, गवर्नमेंट दे या प्राइवेट दे, तो आप गवर्नमेंट भी दे सकते हो, प्राइवेट भी दे सकते हो। प्राइवेट यही होता है कि थोड़ा कॉस्टली होता है, और एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो कोई भी जो वैक्सीन्स हैं इसमें जो है 2-3 स्ट्रेन का ज़्यादा जो है आपको दिया जाता है। चूँकि अब प्राइवेट है, कुछ स्ट्रेन ज़्यादा नहीं रखेगा तो फिर सेल कैसे होगा? जैसे रोटा वायरस की वैक्सीन है, तो जो गवर्नमेंट वाले में है थोड़ा कम स्ट्रेन है नंबर ऑफ़ स्ट्रेन, और जो प्राइवेट से है उसमें नंबर ऑफ़ स्ट्रेन जो होते हैं रोटा वायरस के थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर है कि आप कौन सा दे रहे हो। क्योंकि अगर आप एक बार वैक्सीनेशन प्राइवेट से दिलाओगे तो कॉस्ट तो पड़ता है, 6 to 7,000, 8,000 के आसपास कॉस्ट पड़ेगा। और ऐसे कोई एनाफाइलेक्टिक साइड इफेक्ट नहीं होता है कि जिससे एकदम घबरा जाना हो, लेकिन हाँ वो सब रेयर है कि बच्चे को जो है फिट आ जाए या बच्चा बेहोश हो जाए, वो सब रेयर होता है। और बच्चे को वैक्सीनेशन ज़रूर दिलवाएं, वैक्सीनेशन से ही आपका बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके बच्चे में जो है कि बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, आपका बच्चा हेल्दी होगा, और आपके बच्चे को बीमार आपके बच्चे जो है बीमार कम पड़ेंगे। और चूज कर लो आप कौन सा दिलाना चाहते हो, प्राइवेट भी दे सकते हो, गवर्नमेंट भी दे सकते हो, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू है। और बच्चा का अगर आप हेल्थ डेवलपमेंट चाहते हो, बच्चा अगर बीमार ना हो, तो इसके लिए आपको ये चीज़ तो ज़रूर है कि जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना रखी है कि जन्म के समय क्या वैक्सीनेशन देना चाहिए, 1.5 महीने पे क्या देना चाहिए, 2.5 महीने पे क्या देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही वैक्सीन लेते रहें। वैसे मैं इस पे भी एक वीडियो आपको बना दूंगा कि बच्चे को कौन सा वैक्सीन कब देना है, कैसे देना है और कहाँ देना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। धन्यवाद।